नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला मैं आपका दोस्त अपने फ़ोन के YouTube में क्या देखता होगा और दूसरा बात करी जैस कि आपका भाई YouTube में क्या सर्च करता होगा। तो अगर बात करें जैस कि किसी का भी जैस कि आप पता करने जाते हो YouTube में क्या सर्च करते हैं या क्या डाउनलोड करते हैं, तो वो आप कैसे पता कर सकते हो। जैसे कि मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर यहाँ पे किसी का YouTube का अगर पता लगाना चाहते हो जैसे कि वो क्या सर्च करता है या क्या वो डाउनलोड करता है, तो वो आप कैसे यहाँ पे पता कर सकते हो, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो बने रहे इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, अगर दादी कैसे पता कर सकते हो जैसे कि आपका दोस्त यहाँ पे अपने फ़ोन में क्या देख रहा है, जैसे कि क्या डाउनलोड किया है, तो ये आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको YouTube को सबसे पहले ओपन करना है। तो अब आपको दादी जैसे कि हम YouTube में कुछ भी देखते हो, तो यहाँ पे आपको जो कि फर्स्ट पेज आपको इस तरह के जो कि ओपन हुआ होता है, जो कि आपने ज़्यादा आपने सर्च किया हो, तो जैसे कि आपका हिस्ट्री में चले जाता है। तो जो भी आपने सर्च किए होंगे, जो भी देखी होंगी वीडियो, तो यहाँ पर लाइब्रेरी के जैसे के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो हिस्ट्री पे आपने चले जाना है। तो हिस्ट्री पे आप देखोगे जैसे कि जो भी आपने वीडियो देखी होंगी तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अब बात करें जैसे कि यहाँ पे आप अपने दोस्तों की कैसे देख पाओगे जैसे कि वो अपने फ़ोन में क्या देख रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको जीमेल पे चले जाना है। सबसे पहले जैसे कि जीमेल पे आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दी जैसे कि आपका दोस्त है या भाई है, जैसे कि आप यूट्यूब में जैसे कि किसी की जो कि आप वीडियो जैसे कि वो क्या देख रहा है, तो ये पता करना चाहते हो, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जीमेल आईडी आपने उसी की डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका दोस्त है जहाँ आपका भाई है जहाँ कोई और दूसरा है, तो उसी की जैसे कि आपको यहाँ पे जीमेल आईडी लॉगिन करनी होगी। इधर आपको लोगों पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन जो कि कर देनी है आईडी जो कि अपने दोस्त की जहाँ अपने भाई की, तो ऐड एन अदर अकाउंट पर आप क्लिक करके तो उसकी आप आईडी यहाँ पर लॉगिन कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यूट्यूब पर चले जाना है। तो YouTube को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो कि Gmail का लोगो मिलता है जो कि यहाँ पे टॉप है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे इसकी यहाँ पे जो कि ऐड की होगी आपने आईडी, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी मैंने यहाँ पे दो तीन आईडी जो कि लॉगिन करके रखी है, तो ये देख सकते हो इसकी मैंने यहाँ पे दूसरी यहाँ पे आईडी ओपन कर दी है अपने यहाँ पे। तो उसका यूट्यूब इसकी आप ओपन करोगे, तो ओपन करते ही जैसे कि आप यहाँ पे उसकी हिस्ट्री पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि लाइब्रेरी का फंक्शन मिलता है आपको, तो इधर आपको चले जाना है। तो इसकी जैसे कि हिस्ट्री आप ओपन करोगे तो यहाँ पे जो कि उसने वीडियो देखी होगी, तो जिसके आपने लॉगिन किया आईडी जैसे कि आपका दोस्त है या आपका भाई है, तो यहाँ पर उसकी वीडियो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। तो इसके बाद बात करेगा जैसे कि यहाँ पर उसने डाउनलोड करके रखी होगी जो वीडियो, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है एक। तो इसके बाद बात करें हमें जैसे कि वो क्या देख रहा है, ज़्यादा क्या सर्च करता है, तो वो भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लाइव देख पाओगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो भी यहाँ पे सर्च करता होगा जैसे कि लाइव में, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस तरह से जब कि आप किसी की भी आईडी हो कि लॉगिन करके यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और इस तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।